ठीक क्या किया तूने? कब से आवाज लगा रहा था? आज तेरी वजह से मेरी अर्थी उठ जाती बेशरम कहीं का। देखो कैसे बिजली के खंभे की तरह खड़ा है। 10 साल हो गया अभी तक एक पंचर भी नहीं बना पाया। इंग्लिश फिल्मों ने इसका दिमाग खराब करके रखा। चप्पल से मारना चाहिए इसको। ये अभी तक नहीं सुधरा। कुछ गाड़ियाँ रिपेयर नहीं हो सकती शिवा, और ये उन्हीं में से एक खटारा है। तो तुझे 5 साल तो लग गए पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल करने में, अब आगे क्या करने का सोचा है? वैसे अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। वो कहते हैं ना, अपना खाना खुद ही पकाना। मतलब? मैं यहाँ तुम्हारे ही भरोसे तो आया हूँ नौकरी की तलाश में। मैं कब से एक असिस्टेंट के लिए बोल रहा था बॉस, इसे रख ले क्या? ए, श्याणा बन रहा है तू? ये क्या पी रहा है? ग्रीन टी बॉस। कैसा जॉब चाहिए तुझे? मेरे लिए जॉब कोई भी चलेगी, बस जेब नोटों से भरी होनी चाहिए। जेब तो भरी होगी और बोनस भी अच्छा मिलेगा। सच में? और नहीं तो क्या। आजकल एक ट्रेंडिंग जॉब चल रहा है और उसके लिए तू एकदम परफेक्ट है। कंपनी की गाड़ी, कंपनी का फोन, बस तुझे 25 से 50 फोन करने होंगे। यहाँ तक कि लड़कियाँ बिना तुझसे बात किए खाना तक नहीं खाएंगी। क्या बात है, ऐसी जॉब की तो तलाश है मुझे। तुमने दिल खुश कर। नमस्ते सर। शिवा नमस्ते सर। ये क्या कर रहा है? बुरा सपना देख रहा होगा। नमस्ते सर। सर ओके सर, कल शाम तक गाड़ी रेडी हो जाएगी सर। ठीक है, रखता हूँ सर। बात तो इस एटीट्यूड में कर रहा है जैसे BMW ला कर दिया हो। शिवा आज काम पर क्यों नहीं गया? लोटा इधर देना। ये ले। क्या कर रहा है? अरे लग जा। मैंने तुझसे सीधी साधी नौकरी के लिए बोला था, लेकिन हाँ हाँ, तेरे जितने परसेंटेज है उसमें तुझे कलेक्टर बना देंगे क्या? अगर मैं इतना भगवान के सामने झुका होता तो वो मुझे कलेक्टर आऊं। मम्मी। अबे अबे क्या कर रहा है? अबे थोड़ा ऊपर उठा। अबे तुझे ही बोल रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा ऊपर ले। ये क्या? पता नहीं। कैब ड्राइवर बनो और महीने का 1 लाख कमाओ, ये कैसे हो सकता है भवन भाई? कुछ ड्राइवर लाखों में कमाते हैं भाई। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कैब ड्राइवर कमाते हैं। अच्छा, कैसे? वेट किया तो वेटिंग चार्ज, नाइट किया तो नाइट चार्ज, और ट्रैफिक में सर चार्ज। अरे भाई ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पैसेंजर से ज्यादा खुशी कैब ड्राइवर के चेहरे पर होती है। दिन भर आराम से AC कार में घूमते रहो। इतनी अच्छी नौकरी होते हुए भी तुमने मुझे गधों की तरह काम क्यों करवाया? अगर तुम्हें कैब ड्राइवर बनना है तो कैब चाहिए, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे चाहिए? वैसे कितने चाहिए होंगे? 5 से 6 लाख। और अगर तुमने सेकेंड हैंड गाड़ी ली तो उसके लिए भी 2-3 लाख तो लगेंगे। 2-3 लाख? इसीलिए तो नहीं बताया। 2 से 3 लाख। भाभी। कैसे हो शिवा? मैं तो अच्छा हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। वैसे भैया कहाँ हैं? कैब ड्राइवर का आइडिया तो अच्छा है, मगर जो कुछ पैसे बचा कर रखे हैं वो इसकी डिलीवरी के लिए हैं। पहली डिलीवरी का तो तुम जानते हो, मगर इस बार अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त पर पैसों की जरूरत पड़ सकती है हमें। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? फिर उसके बाद एक औरत अपना गहना सिर्फ 2 लोगों को देती है, एक उसका पति और दूसरा उसका बेटा। कितना भी बुरा वक्त आया हो, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा,
सही इस्तेमाल करना। जी भैया, चलता हूँ भाभी। अरे चल जा। हम अगले हफ्ते आ रहे हैं शहर तुमसे मिलने, फोन करूंगा, फोन उठा लेना। भैया कैब लेने के बाद आप दोनों को पूरा शहर घुमाऊंगा। बाय। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मेरा नाम मूर्ति है। तो क्या करूं? सुना है आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है सर। अच्छी गाड़ी के लिए मेरे पास बजट नहीं है यार, फोन रखना। मैं आपके बजट में गाड़ी दिखा सकता हूं सर, एक बार देख तो लीजिए। ओके सर, लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप सुबह 8 बजे आ जाइए, मैं गाड़ी दिखा देता हूं। ओके सर, बाय। सुपर कंडीशन है सर, कोई एक्सीडेंट नहीं, कॉस्टली इंटीरियर, ओनर को अर्जेंटली पैसे चाहिए थे, आप पहले कस्टमर हैं जिनको गाड़ी दिखा रहा हूँ। आइए सर। ये तो गाड़ियों का शमशान लग रहा है, यहाँ क्या दिखाएगा? वो रही, ये रही सर गाड़ी, थोड़ा पीछे हो जाइए सर, धूल उड़ेगी। हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा, 25 साल पुरानी गाड़ी, तो इसका क्या करेगा, चल जाकर दूसरी गाड़ी देखते। चल एक मिनट रुक जाइए ना, गाड़ी दिखने में तो अच्छी लग रही है, एक टेस्ट ड्राइव लेके चेक कर लेते हैं। ये एक खटारा है, इसकी टेस्ट ड्राइव मिलेगी क्या? ये लीजिए। अरे टाइम वेस्ट मत कर शिवा, तुझे इससे अच्छी गाड़ी मिलेगी। हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब कैसे सुनाई देगा? ये स्टार्ट भी नहीं होगी। अरे सुन सुन, सीधे चला, पता नहीं ब्रेक है भी या नहीं, क्या कर रहा है तू? To the left, in these days I hustle hard, trying to find the car that was meant. Switching lanes as I switch gears, as I drift to the scene. You feel with the pedal to the legs, as the adrenaline is. Rup. क्या कर रहा है तू ये? मुटी भाई अब तो कमाल हो भाई। तू इधर आ, चल। अब तुम्हें क्या हो गया? ए, तुझे अच्छी लगी? क्यों तुम्हें नहीं अच्छी लगी क्या? जबरदस्त गाड़ी है यार। अरे इतनी बड़ी गाड़ी तू पार कहाँ करेगा? तुम्हारे गैराज में। अरे सुन, अभी ये खटारा है, इसके स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का क्या? इसके लिए तू है ना यार। शिवा मेरी बात मान, शिवा ये खटारा से कम नहीं। अरे यार इस गाड़ी का एक कैरेक्टर है, इसका इंटीरियर और मेरा एक्सटीरियर परफेक्ट मैच है यार, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए बस। अगर ये गाड़ी इसे इतनी पसंद है तो खरीदने दो ना। सही बोला। ठीक है तू यही रुक, मैं पैसे की बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या कीमत है इसकी? सिर्फ 4.5 लाख सर। तुम्हें इस खटारे का 4.5 लाख चाहिए? मेरे पास 1.5 लाख कैश है, उससे एक पाई भी ज्यादा नहीं दूंगा मैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करना है? एक मिनट रुको, तुम तो 4.5 में दे रहे थे, फिर इतने कम में क्यों दे रहे हो? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं तुमसे नहीं गाड़ी के मालिक से बात करना चाहूंगा। मालिक से? वो पॉसिबल नहीं है सर। ए बबन, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? डील अच्छी है, गाड़ी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, तू इसमें अपनी टांग मत अड़ा। चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है इस खटारे का कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, अगर ऐसा हुआ तो तू बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, मालिक से मिले बिना हम इसको नहीं खरीदेंगे, समझा? चुप कर तू। वो मालिक काफी बिजी हैं सर, बहुत दूर रहते हैं, मैं करता हूँ ना रजिस्ट्रेशन। सवाल ही नहीं उठता, हम मालिक से मिलेंगे और वो हमारे सामने पेपर पर साइन करेगा, सिंगल पेमेंट वरना डील भूल जाओ।
ठीक है सर। तो ठीक है। यस यस अगर मुझे ये सब करना है तो तुझे क्यों रखा है? वो सर सर मैंने ही जिद की थी, मैंने सोचा इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। शिवा डॉक्यूमेंट्स। वैसे आप करते क्या हैं? None of your business. ओ बिजनेस। वैसे आप ये गाड़ी बेच क्यों रहे हैं सर? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। सर आप अपनी गाड़ी बेचकर बिल्कुल भी दुखी मत होइए सर। आपको जब भी गाड़ी को देखने का मन करे बस मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। ये गैराज का नंबर है, 0 की जगह 8 लगा दीजिएगा, प्रिंट में मिस्टेक हो गई। आउट। अब चलिए सर, प्लीज चलते हैं यहाँ से। क्यों आउट हो गए? क्रिकेट चल रहा है क्या? अब चलिए ना सर। 1,50,000 की गाड़ी ली है मैंने और इसने एक कप चाय भी नहीं पूछी। तू इस खटारा का क्या करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया जो तूने इस गाड़ी को खरीदा? मॉडल तो देख, ना कोई स्टाइल ना कोई क्लास। तूने बड़ी गलती कर दी शिवा, बहुत बड़ी गलती। चाय लाया हूँ भाई। हेलो, कौन हो तुम? बहुत रह लिया यहाँ, चलो निकलो यहाँ से, चलो। तू भी ना मेरी तरह जिद्दी है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। Yeah.
मैडम, आपने कैब बुक की है क्या? तुम ड्राइवर हो? हाँ मैडम, मैंने कैब बुक की है। हाँ चलिए। ड्राइवर नहीं, कैब भी यही है, चलिए। मैंने कैब इस जगह से बुक की है तो कैब यही आएगी, जाओ। मैडम, अब तो कैब भी यहाँ आ गई है, बैठिए। मैडम, क्या हम पहुंच गए? एक डाउट है, यहाँ से जाना किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर? नहीं, नीचे की तरफ। ये कोई लिफ्ट नहीं है जो ऊपर नीचे जाएगी, लेफ्ट जाना है या राइट? हेलो मैडम, अरे सुनिए यार, ये तो सो गई मैडम। अरे अनुषा मैडम, यार ये लड़की तो पूरी तरह से टल्ली है। हेलो, अगर आप ऐसे ही सोती रहे तो मैं आपको छोड़ूंगा कहाँ? सॉरी, आप मुझे गलत कमाल है यार, अब मैं क्या करूं? मौसम बेईमान हो रहा है। ऊपर वाले, वो तो अच्छा है कि मैं एक नेक इंसान हूं, वरना कहीं की, अपना फोन तक चार्ज नहीं किया। यार मैं इसे कहां ले जाऊं?
अकल नहीं है क्या? इतनी शराब पीने के लिए किसने कहा था? जिस हालत में तुम कल रात थी, उस लड़के की जगह कोई और होता ना, तो इस वक्त हम तुम्हें ढूंढ रहे होते, समझी? ये लो, खुद गलतियां करते हो और उसके बाद आकर पुलिस से कंप्लेंट भी करना। मैं अपना फोन चार्ज कर लूं। ओके सर, थैंक यू, 5-star रेटिंग दीजिएगा। हेलो। हाय, मैं अनु। कल रात पब में। ओह मैडम, जाग गई आप? या कभी सोचा नहीं था पुलिस स्टेशन में सोकर उठूंगी, बट थैंक यू सो मच। सॉरी मैडम, रात का वक्त था तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। वैसे आप अभी घर कैसे जाएंगी? ऑटो ले लूंगी। व्हाट? हे हाय। वाओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नाइट ड्यूटी, सोचा आप उठते ही कॉल करेंगी, इसलिए आसपास ही भटक रहा था। ऐसा क्यों? मैंने कल रात बिल नहीं दिया क्या? जी नहीं। मेरे पर्स में कैश नहीं है, हॉस्टल चलकर दे दूं? ठीक है। मेरे भैया भाभी ने मेरी वजह से लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। मैं हमेशा उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कभी कर नहीं पाया। आज मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। जब मैं किसी नौकरी में फिट नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं। बहुत डर गया था मैं, और वो डर मुझे खा रहा था। फिर तुम मेरी लाइफ में आई। लाइफ ने यू टर्न लिया। सच कहूं तो ये सब मेरी भाभी के आशीर्वाद की वजह से हुआ, जिनका दिल सोने जैसा है। फिर मुझे तुम मिले। आई लव यू। मानता हूं ये सब मैं नशे में बोल रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सरप्राइज। फ्रेंड्स। गाड़ी खाली है? हाँ, थोड़ा सामने ही जाना है। सर सॉरी सर, आज की ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा हूँ सर। ऐप से आप दूसरी कैब बुक कर लीजिए, उसमें आपको बिल भी मिल जाएगा। सॉरी। बिल के बारे में तो तुम्हें आइडिया होगा ही, जो भी होगा मैं दे दूंगा। प्लीज, मैं एक डॉक्टर हूँ, हेल्प कर दो प्लीज। ठीक है, बैठिए। थैंक यू 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 ब्रदर। सर हाँ,
आपको नाइट चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, श्योर श्योर श्योर, मैं दे दूंगा। बड़ी अनोखी गाड़ी है तुम्हारी, मेरे दोस्त के पास भी सेम ऐसा ही मॉडल है। कुछ भी कहो, विंटेज कार्स की बात ही अलग है। हाँ सर, इनकी क्वालिटी कमाल की होती है। करेक्ट सर, इस गाड़ी के आते ही मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। अगर मैं अपनी डिग्री पर भरोसा करता तो आज भी सड़क पर खाक छान रहा होता। देखो भाई, असल में पढ़ाई और कमाई में कोई लेन देन नहीं। अगर ये कोई और कहता तो मान लेता, लेकिन एक डॉक्टर के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और नहीं तो क्या सर, कंसल्टेशन का 1,000 रुपए, वैक्सीनेशन का 2,000 रुपए, और अगर ऑपरेशन कराना हुआ सर तो फिर तो गहने वहने सब बिक जाते हैं। ओ सर, क्या बताऊं मैं, पैसे तो आप ही लोग कमा रहे हैं सर। कर लेते हो। सर, क्या हुआ सर? सर, सर, सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? हे क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? छोड़ो नहीं। अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यार? आगे लो, आगे आगे। हाँ सीधा, गेट बंद कर। हाँ ठीक है, करता हूँ। क्या है ये? शिवा फिर मौत को अपने साथ लेके घूम रहा है। अगर लाश को वहीं छोड़ देता तो अभी जेल में होता। अच्छा हुआ डॉक्टर ने कैब ऐप से बुक नहीं की थी, वरना अभी ये सलाखों के पीछे होता। ए, 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 शिवा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कान बंद करो। क्या हुआ? ए, जा पानी लेकर। अभी लाया। ए, अगर तुझसे संभलता नहीं तो इतना पीता क्यों है?
तो रो क्यों रहे? मुझे लगा ये मेरा दोस्त है, लेकिन इसने बिना रहम के मेरे उस डॉक्टर को मार डाला। मेरी वजह से एक निर्दोष इंसान मारा गया। इस कार की तो ए शिवा, बस कर, कितना पिएगा? कंट्रोल करो भाई। ये मेरा ही दोष है भवन। तुमने कितनी बार मुझे समझाया, इसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने सोचा ये अच्छी आत्मा होगी। शांत हो जाओ भाई। अभी समझ आया मुझे, इसने मेरी जान नहीं बचाई, इसने अपने आप को बचाया है। ये भूत अपने आप को बचा रहा है। मैं हर रोज गाड़ी में होता हूँ, लेकिन इसने मुझे क्यों नहीं मारा? हाँ हाँ, ओह, क्योंकि इसे पूरे शहर में घूमने के लिए मेरे जैसा एक ड्राइवर चाहिए था। तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है ना? हाँ, तेरी तो एक ही रात में इसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस तरह से मुझे घूर क्या रहा है? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अगर रास्ते में यमराज मिल जाए तो उससे लिफ्ट नहीं मांगना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए। सही बोला तू, एक आदमी को मारने के बाद जिस पर खून सवार है, फिर भी तू पंगे क्यों ले रहा है? सही कहा पवन तूने, मुझे अपना गुस्सा इस गाड़ी पर नहीं, इस गाड़ी के ओनर पे निकालना चाहिए। अभी तूने काम की बात की, जब भी वो आएगा हम मिलकर उसे धोएंगे। जब भी क्या होगा पवन, मुझे अपने पैसे अभी चाहिए इसी वक्त। अरे वो शहर में नहीं है। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है बबन, उसके घर में घुसेंगे और जो भी महंगी चीज होगी उसे ले आएंगे। मुझे मेरे 169,000 रुपए चाहिए बस। ए, रुक रुक रुक, इसमें बड़ा रिस्क है शिवा। अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अबे फटी हुई टायर। बबन भाई, आज रात को ही हम इसे अंजाम देंगे चाहे कुछ भी हो। गाड़ी स्टार्ट करो बबन भाई। मगर क्यों? द नाइट ऑफ द हंटर, हंटिंग नाइट। हाथ छोड़ना यार। बॉस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ज्यादा उछल मत। दरवाजा तो बंद है। तुझे क्या लगा यहाँ तेरी कोई आरती उतारेगा? शिवा तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल निकलते यहाँ से। ओनली फॉरवर्ड नो बैकवर्ड, फॉलो मी। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखने का कुछ तो फायदा हुआ, चलो अंदर। संभल के भाई, क्या देख रहा है? मुझे लगता है ये घर की मालकिन है। और मरने के बाद गाड़ी में भूत बनकर घूम रही है। जब लोगों को रहना ही नहीं होता है तो इतना बड़ा घर क्यों बनाते हैं? अगर तुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ कोई नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ कोई है? अरे चुप रहो यार, अपना काम करो। शिवा शिवा, मैं वो रूम चेक करता हूँ। सुन सुन सुन, यहाँ मेरी पैंट गीली हो रही है, तुझे कोई डर नहीं लग रहा है? यहाँ बच्चों की तरह डरते रहते हो। आई एम हियर, नो फियर, फॉलो मी। डर के आगे जीत है। इतने टेंशन में भी ये डायलॉग मार रहा है। अरे अरे, हॉलीवुड हॉलीवुड। शिवा, अरे बाप रे, ये बोतल मेरा डर भगाएगी। ओढ़ का, अभी तोड़ के पीता हूँ। शॉपिंग मॉल वाली डॉल, बॉस को गिफ्ट करूंगा तो बहुत खुश हो जाएगा। No ice, no problem. Only drinking, drinking, drinking. Huh?
कौन चिल्लाया? लगता है ये भूत मेरा पीछे नहीं छोड़ेगा। चौंका दिया ना? अरे मैं हूँ पवन भाई। तू है? हॉलीवुड तू? निकालो इसको। आजा, आजा हॉलीवुड, बाहर आजा। ये क्या है हॉलीवुड? अरे नहीं यार, अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे मारना चाहते हो क्या? पीछा क्यों कर रहा था? मैं क्या तुम्हारा पीछा कर रहा था? वो भयानक आवाज सुन के मैं डर गया, इसलिए भागने लगा। मतलब तू वहां नहीं चिल्ला रहा था? बॉस तुम? मतलब तू भी नहीं? मैं जाके देखता हूं। कहां जा रहा है? वहां पे कोई है? ये बोल रहा हूं कि अंदर मत जा, निकलते यहां से। वो डॉक्टर जिसकी मौत रेलवे ट्रैक पर हुई, उसका कोई ना कोई कनेक्शन इस घर से जरूर है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं अंदर जा रहा हूं। हॉलीवुड, तुझे यकीन है कि वो भयानक आवाज इसी कमरे से आ रही थी? 100% यहीं से आई थी। ये कमरा अपने गैरेज से भी घटिया लग रहा है। हे शिवा, शिवा, यहां मकड़ी के जाले और कॉकरोच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी करते शिवा, यहां से वहां कुछ है, मुझे किसी ने छुआ। शिवा, शिवा, बबलू भाई, हॉलीवुड, उठना। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी ठीक है ना? या I'm fine. क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं और वहां क्या कर रहे थे? वहां का ओनर कौन है? बताता हूं। पर उस वक्त उस घर में तुम लोग चोर तो नहीं? उसे नीचे रख, रख। एक्चुअली वहां के ओनर ने मुझे गाड़ी बेची। शिवा, आपको सुनने में यह जरूर अजीब लगेगा, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, उस गाड़ी में भूत है। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि ये गाड़ी आप क्यों बेच रहे हैं? हमने सोचा वो पता नहीं क्या करे, इसलिए हम उस घर में घुस गए और वहां आप हमें मिले। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? हाँ सर, अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, अमेजिंग, द एक्सपेरिमेंट वर्क्ड, माय प्रोजेक्शन इज सक्सेसफुल, माय प्रोजेक्शन इज सक्सेसफुल। क्या अजीब इंसान है ये, हम इसको इतनी सीरियस बात बता रहे हैं और ये हमारी बात सुनके खुश हो रहा है। आई एम सॉरी। क्या वो गाड़ी पुरानी मॉडल की कॉन्टेसा है? क्या आप उस कार के भूत के बारे में जानते हैं? वो कोई भूत नहीं है, ना ही कोई आत्मा है। उसका नाम सिसीरा है और वो मरी नहीं है। साइंस, हम जानते हैं या फिर हम जानने का दावा करते हैं। पैरा साइंस, पैरानॉर्मल साइंस और सूडो साइंस, हम नहीं जानते क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिजिकल लॉस के साथ इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इट डील्स विद समथिंग बियॉन्ड बियॉन्ड द कंफर्ट ऑफ योर बिलीफ एंड मे बी जस्ट मे बी बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। सर, क्या आत्माएं होती हैं? क्या आप ही मानते हैं? जब बच्चे खाने से इनकार करते हैं तो उन्हें भूत के नाम से डराया जाता है। यह सच है या झूठ है क्या पता। जो विचार माँ अपने बच्चे के दिमाग में डालती है खाना खाने के लिए,
वो है डर। इस डर के कई नाम हैं, भूत प्रेत आत्माएं, जिन बातों का जिक्र टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता या जो हम नहीं जानते उसे झूठ मानते हैं। आत्माओं के अस्तित्व को अंधविश्वास समझकर नहीं मानना या फिर उन पर यकीन नहीं करना बेवकूफी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पैरानॉर्मल टॉपिक, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। टर्न टू पेज नंबर 39। शरीर आत्मा, फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी। हम अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस हम जिंदा रहते हुए भी आत्मा को शरीर से निकाल सकते हैं। यू नो व्हाट, इट इज सेड दैट जो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है वो एस्ट्रल प्लेन में रहने वाली दूसरी आत्माओं के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग इजंट इट। लेकिन बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ये ट्राई करना बहुत खतरनाक है। हाल ही में एक लड़के ने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए अपने पूरे परिवार को मार डाला। सैड बट ट्रू। कल फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यू गाइस कैन लीव नाउ। सिसीरा, तुम कहीं नहीं? सर, क्या आप मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? व्हाट? सर, एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैं करूंगी सर, अगर आप हेल्प करेंगे तो। सिसीरा, आई नो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हारी उम्र में मैंने भी ट्राई किया था। प्लीज सर। सुनो सिसीरा, ये सारी बातें पढ़ने में अच्छी लगती है, इसे कभी ट्राई मत करना। इस बात को दिमाग से निकाल दो और घर जाओ। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ओके? सर, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने बताया, एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप गाइड कर दे तो। प्लीज सर। प्लीज व्हाट? यू थिंक दिस इज फनी? डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लेसिबो इफेक्ट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना वेयर द पेशेंट और रेसिपिएंट फील्स हिज कंडीशन इज इंप्रूव्ड। सॉरी गाइस, वी विल कंटिन्यू दिस लेटर टुमारो। Thank you. मेरे लिए जरूरी है सर। Why? अर्जेंट बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है। ओ, तुम रघु के साथ चली जाओ। इट्स ओके, आई विल मैनेज। बाय। ओके, लाओ फाइल दो मुझे। माँ, मेरी बात तो सुनो, तुम कभी तो सुन लिया करो मेरी बात। मैं जब भी कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ भी सुनना नहीं हूँ। टाइम से बात करना ही बेकार है। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी बोला ना बाबा। गलती भूला के मैं तू और हम हो संग हर जन्म, प्रेम से रहे सदा रिश्ता हो ना खत्म। हैप्पी बर्थडे टू यू सिसीरा, हैप्पी बर्थडे टू। थैंक्स मॉम, ग्रेट पार्टी। हाँ, सरप्राइज। ये क्या है? नई कार, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, नई कार की जरूरत नहीं है। कम ऑन सिसरा, तुम उसे कार कहती हो? दैट इज नॉट एट ऑल सेफ, इसलिए मैंने ये कार ली है। विद एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी ऑन ए ब्रांड न्यू BMW कार। ग्रीष्मा का भी तो वही। मेरी कॉन्टे से कहाँ है? वो मैंने स्क्रैप यार्ड में भेज दी है। सिसीरा, सिसीरा।
हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? हुँ? मैनेजर हो मैनेजर ही रहो, मेरे डैड बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद अगर मेरी चीजों को छुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना तुम? सिसरा, सिसरा क्या कर रही हो? What's wrong? That is just a car. रघुराम ही तुम्हारे डैड है, एक्सेप्ट हिम एंड मूव ऑन। मूव ऑन? तुम आसानी से अपना पति बदल सकती हो लेकिन मैं अपने डैड को नहीं बदल सकती, समझी तुम? कृष्णा, एक्चुअली ब्लड प्रेशर की वजह से सांसें तेज चल रही है, ट्रैंक्विलाइजर दे दिया है, सब ठीक हो जाएगा। टीनेजर इमोशनल होकर ऐसा कर देते हैं, माँ बेटी में ऐसा होता रहता है। थोड़ा रेस्ट कर लो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ओके, जस्ट रिलैक्स। मेरी जिद ने उनकी जान ले ली सर, दरवाजे के उस पार थी। अगर मैंने सही वक्त पर दरवाजा खोल दिया होता तो आज वो जिंदा होती। सर, आपने कहा था ना इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आत्माओं से बात कर सकते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैं करूंगी सर, जानती हूँ वो वापस नहीं आएंगी। बस एक बार उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ सर, वन लास्ट टाइम। सिसरा, I can totally understand your pain, पर ये problem का solution नहीं है। You have to accept this. मैं इस guilt के साथ नहीं जी सकती सर। सिसरा, सिट। एरिन पैवलिना 1985 में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाली यूके की पहली लेडी। इसने डिटेल में अपना पूरा एक्सपीरियंस एक ब्लॉग में शेयर किया है। जब पहली बार इसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया और जब आत्मा शरीर से अलग हो गई तब उसे अपने पूरे शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और उसकी सांस फूलने लगी। जो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सपेरिमेंट करता है उसके मन में एक डर छा जाता है। पहली बार आत्मा के शरीर को छोड़ देने पर जो तुम्हें दिखता है वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं, एस्ट्रल वर्ल्ड है। जब तुम्हारा माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है एंड यू विल सी नथिंग बट द ट्रुथ। इसमें और एक खास बात है, देयर आर इक्वल नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जरा सी भी चूक हुई तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। ट्रस्ट मी सर, आई कैन डू दिस। Thank you.
यह है ब्रेन वेव मॉनिटरिंग डिवाइस। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी तभी ब्रेन की 100% एक्टिविटी इस डिवाइस में रजिस्टर होगी। गुड लक इन अनदर डायमेंशन। जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। कोई और विचार तुम्हारे मन में नहीं है। योर माइंड इज जस्ट स्टिल एंड टोटली काम। तुम्हें गहरी नींद आ रही है और तुम हिप्नोगॉगिक स्टेट में प्रवेश कर रही हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा पर तुम सब महसूस कर पाओगी। सिसिरा, अपनी मां की आखिरी यादें रिकलेक्ट करो। सिसिरा, अब तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है और तुम सुपर कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश कर रही हो। सिसिरा, स्लोली एंड स्लोली, अमेजिंग। रिलैक्स, जस्ट ओपन द डोर। तूने इसके साथ? She'll be fine, sir. एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं लैब में ले जाऊं तो ठीक हो जाएगी। सर, सिसिरा, वेक अप। डॉक्टर, इमरजेंसी है, जल्दी यहां आ जाओ। जल्दी चलिए सर, इसकी जान खतरे में है। क्या हुआ सर? सर, गाड़ी क्यों रोक दी? माँ बेटी दोनों के लिए 20% ज्यादा नहीं मान रहा। वो मर जाएगी सर।
No pulse. She's gone. Okay. गाड़ी में सो रही थी और एसी की गैस की वजह से दम घुटकर उसकी मौत हो गई। माँ के मरने के बाद लड़की डिप्रेशन में थी, ये सब जानते हैं। लोग हमारी बातों पर यकीन कर लेंगे। अगर वो मुझे मार देते तो लोग उन पर शक करते, इसीलिए स्टोर रूम में बंद कर दिया। दूसरे दिन जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, मगर सिसिरा ने अपनी बॉडी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दी थी। अंतिम संस्कार से पहले हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बॉडी अपने कब्जे में कर ली। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया था और उसकी आत्मा गाड़ी में रह गई। वही तुम्हारे साथ भूत बन के घूमती है। रघुराम उसकी प्रॉपर्टी बेचने के फिराक में था, तभी एजेंट ने तुम्हें वो गाड़ी बेची। प्रोफेसर जी, अगर यही बात पुलिस को बताएंगे तो वो उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? नो, अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर देंगे। फिर तो अच्छा होगा ना कि सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। नहीं, बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। लकीली उसने बॉडी डोनेट कर दी और डोनेट की हुई बॉडी प्रिजर्व करते हैं। 3 हफ्ते पहले यह हादसा हुआ था। अगर लकी हुए और बॉडी डैमेज नहीं हुई होगी तो एक्सपेरिमेंट पूरा हो सकता है। मतलब उसका शरीर और उसकी आत्मा जो उस गाड़ी में है, दोनों को एक जगह पर लाया जाए तो रिवर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं और उसकी आत्मा को शरीर में वापस भेज सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऑफकोर्स हो सकता है। आत्मा एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। अगर उसे फिजिकल वर्ल्ड में रहना है तो उसे फिजिकल कंटेनर चाहिए जैसे शरीर। और सिसिरा के केस में एस्ट्रल प्रोजेक्शन उस गाड़ी में हुआ था, इसीलिए वो हर गाड़ी को एक कंटेनर की तरह देखती है और अपने शरीर का इंतजार उसी जगह कर रही है। अगर बॉडी को सही सलामत ले जाएं, तो देयर इज स्टिल होप। अरे हॉलीवुड, हाँ, ये प्रोफेसर ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में जो भी बताया मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये पता है बॉस, उसके लिए हॉलीवुड फिल्में देखनी पड़ती है। वो लड़की जिंदा है या मर चुकी है? वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बिना आत्मा के ना तो कोई जी सकता है और ना ही कोई मर सकता है। दूर हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। तक मैंने इतना बुरा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया था, और वो भी एक लड़की के साथ। तुमने कभी मुझे परेशान नहीं किया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें कुछ भी कह दिया। आज मैं तुम्हारे प्रोफेसर से मिला था, उन्होंने तुम्हारी पूरी कहानी बताई है। तुमने उस डॉक्टर को मार के बहुत अच्छा किया। तुम्हारे बारे में जानने के बाद मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। सॉरी,
तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर तक पहुंचा के रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। सिसिरा, शरीर में 206 हड्डियां होती है मगर इसमें तो सिर्फ 200। आप लाशों के डॉक्टर है ना? लाशों का डॉक्टर नहीं, हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट। हु आर यू? हॉलीवुड हेड ऑफ। क्या चाहिए? वो एक डेड बॉडी चाहिए। इसे यहां से बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। गॉट इट। सर, 3 हफ्ते पहले सिसिरा नाम की एक लड़की की बॉडी हॉस्पिटल में डोनेट की गई थी, वो बॉडी हमें चाहिए। डोनेट की हुई बॉडी वापस नहीं मिलती। वैसे तुम लोग लड़की के क्या लगते हो? फ्रेंड्स? तब तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। सर, एक्चुअली वो लड़की मरी नहीं है सर, एक छोटी सी गलती की वजह से उसके शरीर से आत्मा अलग हो गई है। वो बॉडी आपके हॉस्पिटल में है और आत्मा मेरी गाड़ी में। अगर आप वो बॉडी दे देंगे तो हम उसे तो आत्मा से मिला। हाँ, सही पकड़े सर। उठो यहाँ से। क्या हुआ सर? निकलो। सर, हमारी बात तो सुनिए सर। सर, दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो शॉक ट्रीटमेंट दूंगा। लाशों के तस्कर कहीं के बिजनेस बना लिया है। सर, सर सुनिए, काम कराना सर। क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों चला गया? अरे यार, इसको कब से मैं समझा रहा हूँ लेकिन ये पागल समझता ही नहीं है। अरे, कोई पढ़ा लिखा हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा और डॉक्टर से इम्पॉसिबल। फिर हम क्या करें? अगर हमारी बात कोई नहीं मान रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, द नाइट ऑफ द हंटर। रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, सुसाइड केस लगता है। लेकिन ये सुसाइड नहीं हो सकता। She'll be fine, sir. एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं लैब में ले जाऊं तो ठीक हो जाएगी। कुछ तो प्रॉब्लम है। हेलो, मुझे सिसिरा की बॉडी देखनी है। ओके सर। लोग तो मार के जेल जाते हैं लेकिन हम पहली बार मरी हुई लाश चुराने के चक्कर में जेल जाएंगे शिवा। हे, क्या कर रहा? संभाल। अरे पार्किंग तो ठीक से कर ले, दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हल्ला मच जाएगा। चलो इसको पहन लो क्योंकि हम मुर्दा घर जा रहे हैं। जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है क्या? नो 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 नो। हॉस्पिटल में महंगे इक्विपमेंट्स है और तुम यहाँ नए आए हो, चौकर न रहना, यहाँ चोर डकैत बहुत है। अरे, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब था कि मैंने बड़े बड़े चोरों को पकड़ा है। सच्ची में आप रिलैक्स करो, मैं पकड़ूंगा। मेरा सिक्स सेंस कुछ बोल रहा है। मुर्दा घर। हाँ बाबा, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, बच के कहाँ जाओगे? क्यों उठे?
चोर के घर में चोरी करेगा है? उस्ताद से उस्तादी। तू यहाँ? शिवा महिला, तुम लोग, ये तो अपना आदमी है। अरे हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम लोगों के, मुझे जाने दो यार। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब यहाँ क्या चोरी करने आया लाश? चोरी के धंधे में बहुत रिस्क है भाई, इसलिए मैंने चोरी करना छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से ये नौकरी लगी है और तुम लोग यहाँ भी आके मेरा पीछा करते। ए, हमको तेरी हेल्प चाहिए। ए, तुम्हारी मदद करके मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। गाड़ी कहाँ है शिवा? पार्किंग में। इसे वहीं ले चलते हैं। चलो। रुको, गाड़ी में मत ले जाओ, क्या करना है बोलो, करता हूँ। एक डेड बॉडी चाहिए। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? कभी भूत के पीछे लगे रहते हो, कभी लाश के पीछे लगे रहते हो। तुम लोग आदमियों की अघोरी हो बे, तुम लोग शमशान में पैदा हुए। तू हमारी मदद करेगा या नहीं? अरे करना ही पड़ेगा। बोलो ना नंबर क्या है। 9908892462। इसको किधर से उठा के लाया तुम लोग? तेरा नंबर नहीं पूछा मैं, हर डेड बॉडी का एक नंबर होता है, वो नंबर बता। नंबर तो नहीं मालूम, नाम तो पता होगा ना। बबन शिवा हॉलीवुड। उसका नाम सिसरा है। अबे कहीं और जाके छुटिया, हाउसफुल है। तुम अकेले मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अकेले? बाकी कमरे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। रजिस्टर लेने के लिए आया था सर। लेकिन क्यों? एक नई डेड बॉडी आई है ना, उसके लिए रजिस्टर चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? लवारिस डेड बॉडी है, कचरे के डब्बे में मिली, म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग लेके आए। बॉडी कहाँ है? वो रही सर, ये मर भी गया। पक्का अपनी बेवकूफी की वजह से मरा होगा। मॉर्चरी में ले जाओ। ठीक है सर। रुको सर, पहले बॉडी को एनाटॉमी लैब में रेडी करो। क्या है ये? नया बॉडी है, अंदर रखने का है। ठीक है। छोटू डराता है, चल। अब चलो भाई, चाय पी के आते हैं ना। कितनी ठंड है यहाँ। 2639 मिल गई, आ जाओ आ जाओ। ये कोई ये कैसे बोल सकता है कि ये मर चुकी है? ये तो अभी भी जिंदा है। ए, अगर कुछ देर और यहां रहे तो सीधे ऊपर। चल यहां से, चल यहां से, इसको बाहर ले चलते हैं। एक मिनट भाई। ए, शिवा, हॉलीवुड कहां गया? हॉलीवुड आजा। Thank you.
एक काम ठीक से नहीं कर सकते, मुझे ही सब करना पड़ता है। लाश को भी ठीक से नहीं बांधा है, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। बॉस, बॉस, बॉस! रुको, 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 पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे अबे गधे, तू हमें जनरल वार्ड क्यों लेकर आया? चल चुपचाप। गलती हो गया। चल 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 चल। आजा आजा आजा। डॉक्टर, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर डॉक्टर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर क्या हुआ? मेरे बेटे ने जहर पी लिया है, आपको इसे बचाना ही होगा। एक नंबर का पाना देना। हम कोशिश करते हैं। ये हमारा इकलौता बेटा है डॉक्टर, इसे बचा लीजिए। करता हूँ करता हूँ, जल्दी कीजिए डॉक्टर की। इसका पिस्टन जाम हो चुका है, इंजन ऑयल निकालना पड़ेगा। अबे ये गाड़ी नहीं, बच्चा है। ओ, बच्चा है। क्या कर रहा है ये? डॉक्टर कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर कुछ करता हूँ। स्ट्रांग है डॉक्टर। अबे इसे पिलाने से अगर वो मर गया तो? वैसे भी वो कहाँ जीने वाला है। हाँ हाँ ठीक है। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर 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 डॉक्टर। मेरे बच्चे की जान बचा ली आपने, आप भगवान हो डॉक्टर। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप भगवान हैं। डॉक्टर इमरजेंसी है, हमें आत्मा को शरीर से मिलाना है। चलो जल्दी, चल चल चलो यार, चलो। लेफ्ट लेके राइट लेके लिफ्ट लेके निकल लो। सर इसी ने उन्हें लाया था। कौन थे वो लोग और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर इसने नया बॉडी तो लाया है, मगर फिर भी एक बॉडी मिसिंग है सर। कहाँ है बॉडी? क्या किया तूने बॉडी का? कहाँ है बॉडी? क्या प्लान है तुम्हारा? बोल क्या किया बॉडी का? ए, चुप कर, मैं खा गया बॉडी को। हाँ खा गया। क्या बॉडी 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 करता है? बॉडी का जहर डालेगा तू? उधर जनरल वार्ड में लोग मर रहे हैं और तू बॉडी बॉडी करता है? काहे का डॉक्टर है तू? दैट्स इट, यू आर फायर्ड। यस आई एम फायर, आई एम द फायर, I am the fire! हट यहाँ से। अगले बेटा नहीं तो फंस जाएगा। पकड़ो उसे, पकड़ो। फिर टकरा कर कर। चलो। भागले। भैया। शिवा। तुम्हारी भाभी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मैं उन्हें लेकर शहर आ रहा हूँ। मुझे चिंता हो रही है। तुम हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। क्या बात है? भैया भाभी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मुझे वहाँ जाना होगा। अब इसका क्या करेंगे? तुम अनु को लेके हॉस्पिटल चले जाओ, मैं इसे लेके लैब में जाता हूँ। ओके। कुछ भी हो जाए लेकिन ये एक्सपेरिमेंट रुकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखो शिवा। तुम भी अपना ध्यान रखो। हाँ जाओ। हेलो, मैं हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में हूं। डॉक्यूमेंट का आईडी नंबर बताइए सर। वन सेकेंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। होल्ड करो, बताता हूँ। ओके सर।
या आईडी नंबर 17305। और इनका नाम क्या है? सिसरा। सेकंड फॉर्म भर के सिक्योरिटी को दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। पेन हाँ एक मिनट। हाँ पावर किसने ऑफ कर दिया यार? सबके पास सर्जिकल नाइफ है? Yes, sir. अब मैं बताऊंगा इंसान के शरीर के ऑर्गेन्स को कैसे डाइसेक्ट किया जाता है। ओके ओके सर। सबके सब निकम्मे हैं, लाश के कपड़े तक नहीं उतारे। ये क्या है सर? फॉर्मेलिन क्रीम, बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए लगाया जाता है। ओके ये क्या कर रहे हो? अगर नंगे हाथ से लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। ग्लव्स पहन लो। अब हम डिसेक्शन शुरू करेंगे। ओके शिवा। शिवा गाड़ी लेकर आओ प्लीज। इट्स वर्किंग नाउ। शिवा हमें बॉडी को गाड़ी में ले जाना होगा। कम लेट्स डू इट।
जाइए। ड्राइवर शिवा बच्चा पैदा होते ही मर गया। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। जब भी ये कंसीव करेंगे ऐसा ही होगा। वो कभी मां नहीं बन सकती।
थोड़ा रो लो, मन हल्का हो जाएगा। आप समझ लो कि यही हमारी किस्मत है, सब भूल जाओ। हमारी चिता को आग शिवा देगा। कौन सा पाप किया था कि मुझे तेरा बच्चा Thank you.
Thank you.